दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि भाई प्रेगनेंसी सेफ और अनसेफ इंजेक्शनों की आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से सेफ है और कौन से अनसेफ है। वहाँ पर एक बात चली थी और वो बात चली थी सॉल्ट की, कि आप सॉल्ट को देख करके तुरंत पहचान लीजिए, याद कर लीजिए कि ये सॉल्ट हमें किसी भी सूरत में प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना है। तो आज मैं आप सभी की डिमांड पर लेके आया हूँ ऐसे 8 सॉल्ट जो कि कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करने चाहिए। नुकसान होना तय है, तो डायरी और पेन लेके बैठिए और लिख लीजिए उन 8 इंजेक्शन्स को, यानी 8 सॉल्ट को। इंजेक्शन तो इनके सैकड़ों होते हैं, लेकिन आपको सॉल्ट लिखने हैं 8, ताकि वो सॉल्ट वाला कोई भी इंजेक्शन सामने आ जाए आप तुरंत कट कर दो कि प्रेगनेंसी में मुझे इसको नहीं यूज़ करवाना है, ठीक है। और कोई भी इंजेक्शन आप हमेशा अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही यूज़ करवाएं। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में नंबर 1 जो सबसे बड़ा अनसेफ सॉल्ट है उसको आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। जी हाँ, एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम स्टेरॉयड का ग्रुप कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉयड कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड, ये अलग अलग इनकी कैटेगरी है। तो वो जो स्टेरॉयड है उनमें से सबसे प्रमुख है डेक्सामेथासोन। ये जो डेक्सामेथासोन सॉल्ट है ना, किसी भी सूरत में प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है। जहाँ पर भी आपके सामने ये डेक्सामेथासोन लिखा हुआ आ जाए ना, कट कर दीजिएगा, प्रेगनेंसी में नहीं लगवाना है, ये विशेष ध्यान दें। सेकंड इसी के साथ का है जिसका नाम है बेटामेथासोन। जी हाँ, उसका भी वर्क कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता बिल्कुल भी, ये विशेष ध्यान दें। तीसरा जो है वो है प्रेडनिसोलोन। जी हाँ, प्रेडनिसोलोन लोकल इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव है यानी कि प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर प्रेडनिसोलोन का कोई मतलब नहीं है, यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई कहते हैं कि कम डोज में लगवाते हैं साहब तकलीफ नहीं होती, चाहे किसी में भी लगवाओ भाई, जहर जो है वो तो जहर ही है, ठीक है। तो आपको कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। इसके बाद इसी ग्रुप का एक और सॉल्ट है जिसको भी आप याद रख लीजिए, जिसका नाम है ट्राइमसिनोलोन। ये ट्राइमसिनोलोन आपने वेटालोग का नाम सुना होगा, ब्रांड अच्छा है, और भी कई ब्रांड आते हैं। तो ट्राइमसिनोलोन जो सॉल्ट है उसको भी आप कभी भी यूज़ मत करवाइए। ये 4 स्टेरॉयड है जो अगर आपने कहीं पर भी देख लिए तो तुरंत इस्तेमाल मत करवाइए। मैंने उन्हीं इंजेक्शनों को जोड़ा है जो अधिकतर वेटनरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी गौण सॉल्ट तो और भी है छोटे छोटे, लेकिन हम मैन को ले रहे हैं। तो ये 4 अगर आपको कहीं पर भी नजर आए तो आप अपनी गाय भैंस को मत लगवाइए प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि PGF2α है। आपको पता है PGF2α क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस जो हार्मोन्स है, PGF2α वो क्या करते हैं। PGF2α हमेशा CL को तोड़ते हैं और प्रेगनेंसी के लिए CL बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए कभी भी डाइनोफ्रॉस्ट, ये नाम अगर आप देख रहे हैं ना डाइनोफ्रॉस्ट, उस सॉल्ट का इंजेक्शन आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं लगवाना। लगा दिया मतलब समस्या, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक अलग सॉल्ट और आता है इसी कैटेगरी का, जिसको हम बोलते हैं क्लोप्रोस्टेनॉल। जी हाँ, क्लोप्रोस्टेनॉल याद आया, प्रेग्मा वेटमेट है ना। तो ये जो क्लोप्रोस्टेनॉल है, ये सॉल्ट भी कहीं पर भी देखो, चाहे किसी भी ब्रांड का, कोई भी ब्रांड पर नाम तो लिखा रहता ही है, तो अगर क्लोप्रोस्टेनॉल लिखा हुआ है तुरंत कट कर दीजिए, आपको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि ये CL को तोड़ेगा, हीट में ला देगा, तो भाई प्रेगनेंसी में नुकसान करेगा। तो ये हो गया टोटल 4 और 2 6, 2 अभी भी और बचे हैं, जिनमें से एक सॉल्ट आप लिखिए जिसका नाम है वेल्थमेट ब्रोमाइड। ये वेल्थमेट ब्रोमाइड जो सॉल्ट है ना, क्या काम करता है ये वेल्थमेट ब्रोमाइड जो सॉल्ट है, वो सर्विक्स को ओपन करवाने का काम करता है। अब भाई ना तो आपको अभी AI करनी है, ना कहीं किंक्ड सर्विक्स है, और ना ही प्रेगनेंसी के दौरान आप क्यों खुलवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलवाना है और बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना है। वेल्थमेट ब्रोमाइड लिख लीजिए। नए लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सॉल्ट अगर दिमाग में रहेंगे ना तो साफ कह देंगे कि ये प्रेगनेंसी में नहीं लगता, लगाना भी नहीं है। तो आप साफ किसी को भी कह सकते हैं भाई इसको मत लगाओ, प्रेगनेंसी में ये नुकसान करेगा। तो वेल्थमेट ब्रोमाइड आपने नाम लिख लिया। इसके बाद अगला जो नाम है उसका नाम है
अर्गोमेट्रिन। जी हाँ, अर्गोमेट्रिन याद आया कुछ? अर्गोमेट्रिन मेटल वेट आता है, अर्गोवेट आता है। अर्गोमेट्रिन क्या करता है? ये मेनली इसका जो रोल होता है वो होता है प्लेसेंटा का, यूट्रस से जो संपर्क होता है, जो प्लेसेंटोम बनता है, उस प्लेसेंटोम को तोड़ने का ये काम करता है, यानी क्रिंकल एंड कोटिलेडंस दोनों को हटाने का काम करता है। तो भाई ये भी प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में कभी भी नहीं लगवाया जाता है, ये भी 100% नुकसान करता है। आज जो मैंने आपको जितने भी सॉल्ट बताए हैं, मेरा मन हुआ कि 100% जो अनसेफ है उनको मैं पहले ले लूँ, उसके बाद अगर आप निवेदन करेंगे और इस वीडियो पर अच्छा प्यार मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो कि 100% तो नुकसान नहीं करते लेकिन प्रेगनेंसी में नुकसान करते हैं। तो अगर आप निवेदन करेंगे तो ऐसा वीडियो लाऊंगा कि जो प्रेगनेंसी में नुकसान करने वाले हैं, लेकिन आज जो मैंने सॉल्ट बताए 8, ये तो नुकसान करेंगे ही करेंगे 100%। तो कभी भी इनका इस्तेमाल मत करवाइएगा। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो फार्मा का कोर्स अपलोड हो चुका है हमारे रामावत एनिमल ऐप पर। प्ले स्टोर पर जाइए, 1234 OTP लगाइए, तुरंत ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पर एक एक चीज़ को बारीकी से सीख सकते हैं। वहाँ फ्री लाइव भी होता है, अगर कोई छोटा मोटा आपका प्रश्न है तो फ्री लाइव में आकर के भी आप अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं।